नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, लड़ाई झगड़ा एक अपनी सीमा तक होना ठीक है, लेकिन जब सीमा से पार हो जाता है, यानी कि इतना बढ़ जाता है कि बहुत कि एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर पति हो या पत्नी, दोनों में से एक ये चाहता है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। अब उस आधार पर रिश्ते से निकलने बाहर निकलने का तो सोच लेते हैं, लेकिन उसके लिए सोचते हैं कि भाई तलाक कैसे लेना चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका पति या फिर पत्नी, कोई भी व्यक्ति, दोनों में से एक है और एक नहीं देना, एक तलाक देना चाहता है और एक देना नहीं चाहता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उस दौरान आपको तलाक कैसे लेना चाहिए। आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपका पति या फिर पत्नी, दोनों में से कोई एक व्यक्ति चाहता है तलाक लेना है लेकिन दूसरा तलाक लेना देना नहीं चाहता है, तो ऐसे समय पर क्या कानून में कोई प्रोविजन है, कोई प्रावधान है जिसके दौरान हम तलाक ले सकते हैं? तो जी हाँ, तलाक आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंटेस्टेड यानी कि ऐसा डाइवोर्स जो कि एक व्यक्ति चाहता है दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता है। तो आज मैं आपको वही बता दूंगा कि अगर आपके पास में एक व्यक्ति चाहता है और दूसरा नहीं चाहता, तो उस दौरान आपके जो डाइवोर्स है वो किस तरीके से लिया जाए। डाइवोर्स दो प्रकार से दिया जाता है, मतलब एक तो म्यूचुअल यानी कि जो आपसे रजामंदी से आप तलाक ले सकते हैं, तो ये तो संभव यहाँ है नहीं, यहाँ तो कंडीशन ये फुलफिल होती नहीं है कि आपकी रजामंदी से तलाक हो जाए। लेकिन जहां पर तलाक में एक व्यक्ति चाहता है दूसरा नहीं चाहता है, तो उस तलाक को बोलते हैं कंटेस्टेड या फिर एक्स पार्टी। एक्स पार्टी कब होता है, कंटेस्टेड क्या होता है, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। कंटेस्टेड मतलब कि आपकी पति या पत्नी दोनों, आप दोनों कोर्ट में आ रहे हैं, एक व्यक्ति ने अर्जी दी है और दूसरा उसको देना चाहता है और दूसरा लड़ना चाहता है, तो लड़कर अगर आप दूसरे को हरा देते हैं या फिर दोनों अपनी बात कह देते हैं, तो ये जो डाइवोर्स है, दोनों मतलब पार्टी जो है वो लड़ रही हैं, तो ऐसे जो डाइवोर्स है उसको बोलते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। अब वहां पर तभी मिलता है आपको जब आप वो चीजें प्रूफ कर पाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जहां पर पति चाहता ही नहीं है कि वो पत्नी जो है कोर्ट में जाए, मैं उसको 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 अगर वो डाइवोर्स मांग रही है तो मैं डाइवोर्स के लिए मैं लड़ूं कोर्ट में जाकर, तो वो चाहते भी नहीं है। या पत्नी अभी ऐसा होती है कि पति ने केस कर दिया डाइवोर्स का और उसको नोटिस आया, लेकिन पत्नी ने नोटिस रिसीव कर लिया लेकिन वो कोर्ट में नहीं गई, तो ऐसे समय पर फिर आपको एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल जाएगा, यानी कि आपको ही सुनकर कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी डाइवोर्स कर देगी। ऐसे हालातों में आपको डाइवोर्स एक्स पार्टी कैसे लेना है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्नी या फिर पति, कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति कोर्ट में गया, अपना उसने पिटीशन फाइल किया डाइवोर्स के तहत कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, और वो 13A यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है उसने केस फाइल किया कि मुझे अपनी पत्नी से या फिर पति से मुझे तलाक चाहिए, और उसके लिए ग्राउंड ये है कि वो पति मारता है, पीटता है, या फिर मेरे साथ नहीं रहता है, फिर वो कहीं और है, उसके संबंध कहीं है, इसी ऐसे ही एलिगेशन लगाते हुए पति भी पत्नी के ऊपर डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करता है। तो ऐसे समय पर अब एक व्यक्ति ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया, मान लीजिए मैं कहता हूँ पति ने फाइल कर दिया, और फिर पत्नी को पता लग गया कि वो डाइवोर्स चाहता है मुझसे, पत्नी किसी कारणवश नहीं गई या फिर उसको पता नहीं था, कुछ भी कोई कारण हो सकता है, तो वो कोर्ट में नहीं गई, तो फिर उस दौरान जो है वो आपको एक्स पार्टी यानी कि आपकी ही बात सुनकर, सिर्फ एक तरफा सुनकर कोर्ट जो है वो न्यायालय आपको डिक्री दे देगा और आपके फेवर में यानी कि आपके पक्ष में वो पूरा पूरा का पूरा डाइवोर्स का पिटीशन जो है वो आपके अलाव हो जाएगा और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ये होता है एक्स पार्टी यानी कि एक तरफा डाइवोर्स। अब ये लेना कैसे है, किस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं, देखिए हर व्यक्ति को, हर पति को, पत्नी को पता होता है कि वो कोर्ट में जाके लड़ सकता है या फिर नहीं लड़ सकता है, वो मुझे फाइट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपको ऐसे पता है कि पत्नी मेरी कोर्ट में आएगी ही नहीं, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है, डाइवोर्स देना भी नहीं चाहती है, तो अगर आपको म्यूचुअली वो नहीं दे रही है तो डजंट मैटर, आप इससे मत घबराएं कि भाई म्यूचुअली मुझे नहीं दे रही है, मेरे से फैसला नहीं कर रही है, तो ना करें, आप कोर्ट में जाएं, अपना केस फाइल करें स्ट्रांगली, और अगर वो पत्नी नहीं आती है तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपना एविडेंस कराएं, अपनी बात करें, अपनी जिरह करें, और फिर सीधे सीधे जो आपको एक्स पार्टी डाइवोर्स ये मिल जाएगा। ये एक्स पार्टी का मतलब ये भी ये नहीं है कि आपका ये डाइवोर्स है नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं सर एक्स पार्टी डाइवोर्स डाइवोर्स नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है, एक्स पार्टी डाइवोर्स डाइवोर्स है, एक डिक्री है वो। अब जब मान लीजिए आपके पक्ष में डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा पारित हो गया है, तो अब जब पत्नी को ये पता चलेगा कि मेरे खिलाफ डाइवोर्स हो गया है, मैं पत्नी नहीं हूं उनकी,
तो ऐसे समय पर वो क्या कर सकती है कि वो कोर्ट में जाके फिर से अर्जी दे सकती है कि मुझे भी सुना जाए। तो वो एक्स कोर्टी पार्टी को जो ऑर्डर है वो रिकॉल हो जाएगा, और रिकॉल होने के बाद फिर से डायवोर्स का पिटीशन जो है फाइल, मतलब पिटीशन जो स्टार्टिंग से फिर चलना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है जो कि आपको इस दौरान ये मतलब फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो है जो एक्स पार्टी जो डायवोर्स आपको पहले हो चुका था और उस दौरान आपने शादी कर ली है, तो वो आपकी शादी भी वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि आपका डायवोर्स का जो जो आपका मतलब डिक्री थी वो कोर्ट ने पारित कर दी है। तो फिर अब जो लेट पत्नी आती है, साल दो साल बाद आती है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब आपने अगर सेकंड मैरिज कर ली है तो आपकी वो शादी भी वैलिड मानी जाएगी और वो आपकी पत्नी भी वैलिड मानी जाएगी। तो ये एक मेरी तरफ से जानकारी थी जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो भी फंस जाते हैं रिश्तों में, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, पति हो पत्नी हो। तो इस तरीके से बाहर आप निकल सकते हैं, चाहे वो एक्स पार्टी आपका डायवोर्स हो जाए बहुत अच्छी बात है, कंटेस्टेड हो जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए ये बहुत जानकारी महत्वपूर्ण है जिससे कि आप फायदा ले सकते हैं, और आप डायवोर्स डालने से पीछे ना डरें, पीछे ना घबराएं, ना मतलब कि आप परेशान ना हो कि लेकिन मेरा डायवोर्स होगा नहीं होगा। आपको जरूरी है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास सबूत हैं उनको एनालिसिस करना और उनको समझना कि वाकई मेरे आधार पर जो है वो डायवोर्स मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको कंटेस्टेड के ना होगा, कहीं एक्स पार्टी ना हो जाए, ये भी आपको देखना है। चाहे पति हो पत्नी, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो लगता है कि वो कोर्ट में भी नहीं आएगी, या फिर मैं लड़के अकेले ले सकता हूँ, तो आप एक्स पार्टी भी डायवोर्स प्रोसीड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो बस मैं इतना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।